इस बार हुए एक दिन के आईपीएल की छोटी सी नीलामी में, जहां सारे आईपीएल की टीमों ने रिलीज खिलाड़ी के बदले नए खिलाड़ियों को टारगेट किया, वहीं दिल्ली कैपिटल की मैनेजमेंट ने भी आईपीएल 2023 के लिए अपनी टीम में नए खिलाड़ियों को शामिल किया। आईपीएल की इस छोटी सी नीलामी से पहले दिल्ली कैपिटल के पास 24 खिलाड़ी थे, जिसमें से उन्होंने 5 खिलाड़ियों को रिलीज करने के बाद उनके पर्स में 19 करोड़ 45 लाख रुपए का बैलेंस बचा था, जिसमें से दिल्ली कैपिटल की मैनेजमेंट ने 15 करोड़ रुपए खर्च करके 6 खिलाड़ियों को खरीद कर 2023 की टीम में शामिल किया। इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली कैपिटल की मैनेजमेंट ने किन खिलाड़ियों को कितने प्राइस में रिटेन किया और कितने प्राइस में नए खिलाड़ियों को टीम में ऐड किया 2023 के लिए। दिल्ली कैपिटल की टीम की स्क्वाड की बात करें तो स्टार्ट करते हैं दिल्ली टीम के बैट्समैन से। पृथ्वी शॉ, जिन्हें 7.50 करोड़ में रिटेन किया गया। डेविड वार्नर, जिन्हें 6.25 करोड़ में रिटेन किया गया। यश धूत, जिन्हें 50 लाख में रिटेन किया गया। रोमन पोवेल, जिन्हें 2.80 करोड़ में रिटेन किया गया। सरफराज खान, जिन्हें 20 लाख में रिटेन किया गया। ऋषभ पंत, जिन्हें 16 करोड़ में रिटेन किया गया। फिलिप शॉर्ट, जिन्हें ऐड किया गया 2 करोड़ में। मनीष पांडे, जिन्हें ऐड किया गया 2.40 करोड़ में। रिले रासो, जिन्हें ऐड किया गया 4.60 करोड़ में। अब बात करते हैं दिल्ली टीम के ऑलराउंडर्स की तो अक्षर पटेल, जिन्हें 9 करोड़ में रिटेन किया गया। ललित यादव, जिन्हें 65 लाख में रिटेन किया गया। मिचेल मार्श, जिन्हें 6.50 करोड़ में रिटेन किया गया। विक्की ओसवाल, जिन्हें 20 लाख में रिटेन किया गया। रिपल पटेल, जिन्हें 20 लाख में रिटेन किया गया। अब बात करते हैं दिल्ली टीम के बॉलर्स की तो एंड्रीज निटोरजी, जिन्हें 6.50 करोड़ में रिटेन किया गया। खलील अहमद, जिन्हें 5.25 करोड़ में रिटेन किया गया। लुंगनी निंगड़ी, जिन्हें 50 लाख में रिटेन किया गया। चेतन सकरिया, जिन्हें 4.20 करोड़ में रिटेन किया गया। प्रवीण दुबे, जिन्हें 50 लाख में रिटेन किया गया। कमलेश नगर कोटी, जिन्हें 1.10 करोड़ में रिटेन किया गया। कुलदीप यादव, जिन्हें 2 करोड़ में रिटेन किया गया। मुतफिजुर रहमान, जिन्हें 2 करोड़ में रिटेन किया गया। अमन एच खान, जिन्हें ऐड किया गया 20 लाख में। ईशांत शर्मा, जिन्हें ऐड किया गया 50 लाख में। मुकेश कुमार, जिन्हें ऐड किया गया 5.50 करोड़ में। तो ये थी टीम दिल्ली कैपिटल की स्क्वाड इस साल होने वाले आईपीएल 2023 के लिए। दिल्ली कैपिटल इस बार आईपीएल की छोटी सी नीलामी में 3 बैट्समैन के साथ साथ 3 बॉलर को टारगेट करते हुए शामिल किया है आईपीएल 2023 की टीम दिल्ली कैपिटल की स्क्वाड में। दिल्ली कैपिटल की परफॉर्मेंस की बात करें तो 15 आईपीएल सीजन में से 6 बार आईपीएल में प्ले ऑफ किया है, जबकि 1 बार फाइनलिस्ट रही है आईपीएल हिस्ट्री में। आपको क्या लगता है दिल्ली कैपिटल की टीम आईपीएल 2023 की ट्रॉफी के लिए प्ले ऑफ कर पाएगी कि नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।